साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कापासीड़ा गांव में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया दिल्ली सरकार और जल बोर्ड के खिलाफ। जी हां, जल नहीं तो वोट नहीं, इस नारे के साथ सैकड़ों लोग जो है एकजुट होकर कापासीड़ा बॉर्डर पहुंचे और एसडीएम और डीसी को यहां पर जो है प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा प्रदर्शन जो है वो किया गया और यहां पर गांव के एकजुट होकर महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी एकजुट होकर यहां पर बैठे हैं और धरने पर बैठने के बाद मटका फोड़ जो प्रदर्शन है वो किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कापासीड़ा की हैं, जहां पर देखिए पूरा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और पिछले कई सालों से इस गांव में जो है पानी की सुविधा नहीं है, बोरवेल है उसका भी वाटर लेवल कम होता जा रहा है, जिससे कि लोगों को अब दिक्कत हो रही है। और लोगों ने आने वाले 2025 के चुनाव का बहिष्कार करते हुए कहा है कि अब कोई भी सरकार बने, चाहे कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर वोट मांगने आएगा, तो अगर उनकी समस्या जो जल की समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देंगे। और इसी नारे के साथ देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों को बताया, चाहे वो कई सरकारें आई और गई भी, तो हर सरकार में बातें हुए हैं। हम यही आग्रह करते हैं, जैसे हम सभी भाइयों ने बोला है कि आज का जो प्रदर्शन है पूरे गांव के रूप में सामूहिक रूप से कार्यक्रम है, ना किसी हम पार्टी के ना किसी सरकार के खिलाफ है। हम तो ये है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो फिर विरोध किसका है? पानी किससे मांग रहे? पानी सरकार से सरकार का विरोध नहीं कर रहे? नहीं नहीं, जल बोर्ड, जल बोर्ड, जल बोर्ड से मांग रहे हैं। जिम्मेदारी है जो मौजूदा सरकार से बात कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन रखा है वो अपने यहाँ हम डीएम सर से अल्टीमेटम दे रहे हैं। जो प्रशासन है, जैसे अभी एलजी साहब आए हैं, वहाँ सारी व्यवस्था कर रहे हैं ना, तो आज हम भी ये है कि भाई कापासीड़ा में सुध ली जाए और गांव क्या इसमें कोई टाइम दिया जाएगा जल बोर्ड को? आज बात करते हैं क्या है, और इसके बाद हम सभी नेताओं से, चाहे किसी भी पार्टी का, सबके पास जाएंगे, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है किसी भी पार्टी का, सबसे मिलेंगे। ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है? ये पार्टी, ये डीएम सर को हम आज ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ, और आप लोगों को भी देंगे कि भाई प्रेस रिलीज में आप इसको भेजें कि भाई किस तरह से गांव बहुत दुखी मन से आज खड़ा है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि कापासीड़ा में अभी जो भाई ने बताया है कि लोग अब पलायन का रूप भी धारण कर दिया है। एक हमारे यहाँ जब कभी है ना, ये सेक्टरों में प्लाट 2200-2500 रुपये गज होता था, जब हमारे यहाँ 22,000 रुपये गज जमीन, आज हालात ये है कि हमारे यहाँ
30,000-35,000 रुपए गज में चाहे आधा गांव ने खरीद रहे और वहाँ पे 2 करोड़ रुपए के रेट है। जो अनऑथराइज कॉलोनिया है आसपास वहाँ भी 1-1,50,000 रुपए सर्कल रेट यहाँ ज्यादा और वैसे जो रेट है वो बिल्कुल डाउन है। उसका कारण क्या है? सिर्फ पानी की वजह से। अच्छा, सिटिंग एमएलए जो है आम आदमी पार्टी से है, पार्षद भी आम आदमी पार्टी से है, पानी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है क्या? हाँ बनती है, हम उनके पास भी जा रहे हैं सिटिंग एमएलए आता ही नहीं। हर उससे हम मिलके अपना प्रयास एमएलए ने हम आते सीओ वगैरह भी प्रशासन के पास भी गए हैं, जो अपने जो दिल्ली सरकार है उनके पास भी हर जगह हमने लिखित में भी और मिलने का काम किया है। वहाँ से जो आश्वासन मिल रहा है लेकिन वो कब तक पूरा हो पाएगा उसके बारे में हम देख रहे हैं कब तक करें। आज इसीलिए हमने ये धरना प्रदर्शन। बहुत दिक्कत है और हम सरकार से, जनपोर्ट से, दिल्ली सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ इस गांव में पानी की समस्या को दूर करें। हमें और कोई दिक्कत नहीं है, हम जब से इस गांव में आए तभी से पानी की प्रॉब्लम, इस पानी की नाड़ी और पानी और हमें कुछ नहीं चाहिए। गली पानी मिल गया तो जीवन है, खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। हम दिल्ली सरकार से, जल बोर्ड से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पानी दो। जो भी बोर होता है वो हर बार बोर फेल हो जाता है, उस बोर में बोर करने के बाद साथ कम प्रेशर नहीं लगाते, अगर साथ कम प्रेशर लगाते हैं तो उस पानी में वो बोर पानी देगा। ये महीना दो महीना के बाद कम प्रेशर लगाते हैं वो, उसमें जो मिट्टी होती है उस मिट्टी जमीन में पाठा मार जाती है, उसमें मोटर नहीं जाती, फिर कहते हैं बोर फेल हो गया। अगर किसी बोरिंग में मोटर गिर गई तो उसको वो निकालने की कोशिश नहीं करते। हम दिल्ली सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस गांव का पसीना में जिसमें हम रह रहे हैं हमें सिर्फ पानी दे दो, हमें और कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सरकार आए हमें सिर्फ पानी से खड़े हैं आप लोग। सीधी सीधी एक वजह है कि सरकार निकम्मी हो चली है, बहुत ही लंबे समय से हमारे पूरे गांव में पानी की समस्या है, पानी की किस तरीके की पूर्णता एक व्यवस्था नहीं है, पानी पूरे गांव में नहीं है, गांव के लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से पानी लेकर अपना काम चला रहे हैं, सरकारी पानी हमें मिल नहीं रहा, बोर जो है वो इस व्यवस्था में नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड बिल्कुल घाटे में चल रही है, वो इस व्यवस्था में बोर नहीं है कि लोगों तक पानी पहुंचा सके। तो हमारी सीधी सीधी एक ही मांग है कि गांव में गांव का एक खुद का यूजीआर बनाया जाए जिसमें गांव में जो पानी की समस्या है उसे हम हल कर सकें। आज ये जो है ज्ञापन आप लोग किसको देंगे और कब तक क्या देखते हैं कि कब तक आपकी समस्या दूर होगी? देखिए जी, आज हम ज्ञापन डीसी को देने वाले हैं। भाई आज जो भी भाई पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब लोग ट्विटर या फिर जहां भी कोई प्लेटफॉर्म पे लाइव हो जाओ, इस धरने प्रदर्शन को दिखाओ, डीसी साउथ वेस्ट को सौंपेंगे जो भी ये।